काल सर्प दोष। हिंदू धर्म में काल सर्प दोष बहुत ही अशुभ माना गया है। राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। कहते हैं इस दोष के होने पर व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर जाता है। मेहनत करने के बावजूद अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती या फिर बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं तो आपके ऊपर काल सर्प दोष हो सकता है। सपनों के साथ काल सर्प दोष का गहरा नाता माना जाता है। यदि आपको सपने में मरे हुए लोग दिखते हैं, सपने में बारात का दिखना और किसी शख्स को पानी में डूबते हुए देखना भी काल सर्प दोष के लक्षणों में से है। इसके अलावा बार बार दुर्घटना का होना और चोट लगना भी इसी ओर इशारा करता है। कई बार मन में सवाल आता है कि आखिर क्यों लगता है काल सर्प दोष। इसका मुख्य कारण ज्योतिष शास्त्रों में राहु और केतु की दशा को माना गया है। माना जाता है पिछले जन्म में यदि किसी सांप को मारा हो तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो सकता है। इस दोष के निवारण के कई उपाय हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए जौ के दाने चिड़ियों को लगातार 1.25 महीने तक खिलाने चाहिए। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाकर शिव भगवान का रुद्राभिषेक करें। हर साल नाग पंचमी का व्रत करें। मोर पंख अपने घर में हमेशा रखें। अपने कुल देवता की पूजा रोज करें। रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। मंगलवार और शनिवार को श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए शुभ मुहूर्त में घर के मुख्य दरवाजे पर अष्टधातु लगाने की भी सलाह दी जाती है। अष्टधातु के अलावा आप चांदी का स्वास्तिक भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों को दान करने के लिए कहा गया है। माना जाता है कि इस दान से कालसर्प दोष समाप्त होता है। कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए इन उपायों को करें। आज का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।